दोस्तों लूसी ना उठी हुई थी और वो जगह ढूंढ रही है वापस जाने के लिए, उसे एक्चुअली जगह नहीं मिल रहा और यहाँ पे ना ये सारा सामान रखा हुआ है, तो इसे हम साइड करते हैं। चलो जाओ अंदर जाओ, जाओ बैठो, जाओ 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 बैठ जाओ 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 बैठो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे अलीना भी आ गई है। तो ये लूसी ना अब बैठ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे ना मैं ये असील के अंडे लेकर आ गया हूँ ना, और ये सारे अंडे हमें डालने हैं इस मुर्गी के नीचे, क्योंकि यहाँ पे ये मुर्गी ना सारे खराब अंडे लेकर बैठी हुई है। तो इस मुर्गी के नीचे से सारे अंडे हम उठाते हैं और बिठाते हैं इस मुर्गी को अंडों पे। तो इसने फीड किया हुआ है अभी, जस्ट ये बाहर गई थी, बाहर से होके आई है ना। तो ये सारे अंडे ना हम फेंक देंगे बाहर, ये अंडे भी खराब है। तो सारे फ्रेश अंडे ना हमने डाल दिए हैं, और इसमें ना हमारी पैरेट भी एक मुर्गी का भी अंडा है, ये जो है ना ये पैरेट भी एक मुर्गी का अंडा है। तो ये सारा हमने डाल दिया है, अभी आराम से बैठेगी, अंडे 20 दिन बाद ही यहाँ से निकलेंगे। और फाइनली यहाँ पे ना लूसी अंडों पे बैठ गई है, तो ये क्लियरली अच्छे से नहीं बैठी है, तो इसे ना डिस्टर्ब नहीं करते हैं ना, ये अपना बैठेगी आराम से। और यहाँ ना तीनों रैक्स में मुर्गियाँ बैठी हुई हैं मस्त एकदम, अब कोई खटमल वगैरह नहीं है, आराम से बैठी है ना। पहले खटमल भी काटते होंगे इनको, लेकिन अब एक भी खटमल मुझे नज़र नहीं आ रहा, एक मुझे दिख रहा है ना यहाँ पे। तो खटमल वाला दवा भी ना हमें डालना होगा, ये जो लकड़ी वाला भूसी हमने डाला हुआ है उसके नीचे डालना होगा। और यहाँ पे ये हमारा तीन रैक ना खाली हो चुका है और साफ सुथरा भी लग रहा है। तो इन चारों रैक्स में ना चार तो ये चारों रैक्स में भी ना हम अंडे आज नीचे से ऊपर डालने वाले हैं, और ये सेकेंड वाला रैक भी हम खाली करने वाले हैं और साफ सुथरा करने वाले हैं। अभी ना मैं फीड तैयार करने जा रहा हूँ, और ये अजोला है ना सिर्फ, और हमारी पैरेट भी मुर्गी कितना चाव से खा रही है ना, और इधर ये भी असील मुर्गी, तो इनको अब आदत हो चुका है अजोला का, मतलब इनको ना ऐसे भी अगर हम देंगे ना ये, तो ये आराम से खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन इसमें फ़िलहाल अभी हम चारा मिलाएंगे थोड़ा सा। तो आज ना फिर से हम अजोला लेकर आ गए हैं, और ये जो है ना अजोला, ये आपको दिख रहा होगा, ये 3 दिन चलेगा, उससे ज़्यादा नहीं। और बाकी सारे मुर्गियाँ ना इधर आराम कर रहे हैं, और शेरू और सिम्बा को फीड नहीं मिला है, बाकी सारे फीड कर चुके हैं अपना। और ये रहा हमारा जावा मुर्गा, इसका पोटा पूरा भरा हुआ है माशाल्लाह से, इसका सेहत ना बहुत मतलब सही होता जा रहा है धीरे धीरे माशाल्लाह। और ये हमारी असील मुर्गी, इसका भी सेहत धीरे धीरे ठीक होता जा रहा है। और इधर चूज़ों को मैं दिखा देता हूँ जल्दी से आप, तो सारे चूज़े हमारे यहाँ पे हैं। और हाँ, हमने ना चूज़ों का काउंटिंग नहीं किया है, मतलब हमारे पास कितने चूज़े हैं तो वो हमें देखना है ना, तो आज शाम में हम काउंट करेंगे कितने चूज़े हमारे पास हैं, क्या है क्या नहीं है, कौन से साइज़ के हैं, किसको सेल करना है, किसको रखना है, तो ये सारा चीज़ हमें थोड़ा सा देखना होगा। और चूज़े ना काफ़ी बड़े हो चुके हैं, और जो बड़े साइज़ में दिख रहे हैं ना, तो उनको ना सेल करने का भी अब मन नहीं कर रहा, अब ऐसा लग रहा है कि रहने ही दूँ, लेकिन ऐसा नहीं होगा, सेल तो करना ही होगा, नहीं तो फिर इनका चारा पानी कहाँ से आएगा, है ना। और इधर हमारा अजोला वाला सेटअप भी ना अब कंप्लीट होने वाला है, तो ये बैम्बू हमने बांध दिया, बांस बांधा हुआ है, तो इसी पे ना हम ये तिरपाल बांधने वाले हैं, ये जो है ग्रीन नेट हम लेकर आते हैं, और जल्दी से ना इसको कंप्लीट करते हैं, ताकि कल से इसमें धूप ही ना पड़े ना। और अजोला तो अभी समय लगेगा ग्रो होने में, अभी कुछ दिखेगा ही नहीं, कुछ दिनों के बाद ना ये आपको पूरा फूल दिखेगा हरा भरा, लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो इंशाल्लाह हमारा एक बेड अभी तैयार हुआ है,
और हम कोशिश करेंगे कि बहुत जल्द हमारा दूसरा और तीसरा बेड भी ना रेडी हो जाए, ताकि हमें ना जाकर लेकर ना आना पड़े। उसमें भी ना टाइम बहुत खपत होता है, लगभग 2-3 घंटे लग जाते हैं ना। थोड़ा सा दूर है, लगभग 10-12 किलोमीटर दूर है यहाँ से, जहाँ से हम अजोला लेकर आते हैं। तो अगर हमारा अपना अगर सेटअप हो जाएगा, बेड हो जाएगा, तो फिर लाने का मतलब जाने का ज़रूरत नहीं होगा ना। यहीं से आप उठाओ अपना, मुर्गियों को दो, उठाओ मुर्गियों को दो, तो ये सही रहेगा। और दोस्तों हमारा जो बैरिकेशन है ना, तो उसका मैं क्या करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा। हर जगह से फटता जा रहा है और बहुत तेज़ हवा चल रही है ना। इधर आप देख सकते हो ये पूरा फट चुका है इधर। एक्चुअली ये सब फटने का कारण है ना कि हमने बैम्बू को अच्छे से प्लेन नहीं किया था। जो साइड साइड से ब्रांचेस निकले हुए होते हैं ना, तो वो सब बस कटिंग किया हुआ था। पूरा अच्छे से प्लेन होता ना तो फिर ये ना नहीं फटता। और उधर का कंडीशन आप देख सकते हो, उधर का, और सच बता रहे हैं बहुत तेज़ हवा चल रही है ना, बहुत तेज़। तो सामने से आपको हम दिखाते हैं, तो ये आप देख सकते हो बैरिकेशन का कंडीशन, ये पूरा खुला हो चुका है और पूरा फट भी रहा है ना हवा से। ये पूरा पूरा ऊपर हो चुका है, और इधर भी ना ये पूरा उठ चुका है। इधर पूरा बैरिकेशन हमारा फट चुका है, यहाँ पे ये देख सकते हैं ना, ये सब घिस घिस के फटा है ना। ऐसे करके क्या होता है बैम्बू में, ये ऐसा होता है ना ये, तो इससे क्या होता है कि घिसता है और वो फट जाता है। तो हम जब लगा रहे थे ना बैम्बू, तो उसी समय हमें ये सब ना हटा देना चाहिए था। और यहाँ पर ये तो गिर ही गया है। और एक चीज़ गलती हुआ ना, जो लगाने के लिए आए थे उन्होंने सिर्फ ना ये बालू से निकलता है, तो यही चीज़ ना उन्होंने डाल दिया था। थोड़ा सा मिट्टी भी उनको डालना चाहिए था, जिस वजह से ना ये ऐसा गिर जा रहा है ये सब। तो ये सारा चीज़ ना हमें रिपेयर करना होगा। अभी फ़िलहाल देखते हैं, जब तक रहता है तो रहने देते हैं, और फिर उसके बाद जब नहीं रहेगा तो फिर हटाना ही पड़ेगा। जब बहुत ज़्यादा आंधी पानी आएगा ना, तो फिर उस समय हम हटा देंगे। और इधर ना कुछ चूजे घास चर रहे हैं अपना। और हाँ, ये जो है ना, इसका भी आँख थोड़ा सा ना मुझे फुला हुआ लग रहा है, और कहीं ना कहीं मुझे कोराइजा ही लग रहा है। तो इसे भी हम जेंटामाइसिन का इंजेक्शन देने वाले हैं। और हाँ, हमारी जो कड़कनाथ मुर्गी को कोराइजा हुआ था ना, तो वो भी माशाल्लाह से ठीक हो चुकी है। अब बारी है इस मुर्गी का, इसका भी एक साइड का आँख ना मुझे फुला हुआ लग रहा है, ये रही। तो इसे हम आज ही दे देंगे ना, लेट नहीं करेंगे, तुरंत जो भी कुछ होता है ना, तुरंत उसका ट्रीटमेंट हमें करना चाहिए। बाकी चूजे जो है ना, यहाँ पे थोड़ा सा पानी गिरता है, जिस वजह से ना घास यहाँ का हरा रहता है, चूजे घास चर रहे हैं। और इधर ना रोमियो और अलीना दोनों अपना घास चर रहे हैं। क्या हो गया, इधर आओ, इधर आओ रोमियो। अपना समय हो चुका है चूजों का फीडिंग का, तो सारे चूजे ना इधर दौड़ के आ रहे हैं ना, क्योंकि फीड इनको, फीड सबसे पहले वहाँ पे मिलता है, फिर उसके बाद चूजों को मिलता है। तो चूजे ना दौड़ के इधर आ जाते हैं। तो माशाल्लाह से सारे चूजे ना सही सलामत हैं। एक दो चूजे गड़बड़ाए हैं। वो जो हमने जाली डाला था ना ब्रूडर पे, तो क्या हुआ था कि नीचे जो बीट के वजह से ना किसी किसी चूजे को कॉक्सी हो गया था, लेकिन अभी जो है वो कंट्रोल है और सारे चूजे माशाल्लाह से सही सलामत हैं। ये सारे चूजे जब बड़े हो जाएंगे ना यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे तो बड़े नहीं होंगे, कहीं और जाकर बड़े होंगे, लेकिन यहाँ अगर बड़े होते तो काफ़ी मतलब भरा भरा लगता ना पूरा फार्म। लेकिन सारे चूजे हम नहीं रखने वाले हैं, इतने चूजे रखने से ना दिक्कत हो सकता है, क्योंकि इनको खिलाना पिलाना भी होता है, सबसे बड़ी बात है। तो देखते हैं, धीरे धीरे ना ऑर्डर आ रहा है। और हाँ, अगर चूजे आपको चाहिए तो फिर आप आसानी से कांटेक्ट कीजिए बेझिझक, और अच्छे प्राइस में आपको मिल जाएगा। और हाँ, ये भी चेक कर लीजिएगा कि आपके यहाँ तक बोकारो से ट्रेन जाता है या फिर नहीं जाता है, या फिर बस जाती है या फिर नहीं जाती है, तो ये चीज़ आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा, ना तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा बात करने का। बाकी सारे चूजे सही सलामत। और यहाँ पर ये चूजे यहाँ पर घुस गए हैं ना, तो इनको निकालते हैं जल्दी से, नहीं तो फिर इनको ना खाना भी नहीं मिलेगा, ऐसे इनका पोटा भरा हुआ है ना। और ये व्हाइट वाली चूजा ना हमारी कमज़ोर है, चलो जाओ।
इधर से इधर से इधर से इधर से इधर से इधर से जाओ। हाँ गुड। और माशाल्लाह से केला का पौधा ना हमारा बहुत बेहतरीन लग रहा है ना, और ये ग्रो भी कर रहा है जब से हमने घेरा है। अगर ये घेरा नहीं होता ना तो रोमियो और अलीना अभी तक इसे खा चुके होते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि हमारा केला का पौधा ना बहुत जल्द बड़ा हो जाए और इसमें केला भी आना स्टार्ट हो जाए, लेकिन अभी समय लगेगा। इतना जल्दी केला का पौधा जो है ना, केला का पौधा इतना बड़ा होता है ना यहाँ तक इस हाइट तक, उसके बाद जो है वो जल्दी ग्रो करता है। तो अभी तो इसे समय लगेगा। और इधर हमारा रेड वाला असील मुर्गा खाने के लिए जा रहा है, और सारे चूजे भी जा रहे हैं ना इधर लाइन से, ये देख सकते हैं वाइट वाला। माशाल्लाह कलर जो है ना बेहतरीन कलर है। तो इसे हम रखेंगे, अभी बड़ा करेंगे, उसके बाद ही फार्म से निकालेंगे। और एक हमारा ये कड़कनाथ वाला ना मुर्गा काफ़ी बड़ा हो चुका है ये वाला, तो ये भी बाहर निकलेगा फार्म से। और एक मुर्गा बड़ा हो रहा है ना ये वाला, ये अभी थोड़ा सा समय लगेगा कुछ दिनों में, लेकिन ये बड़ा हो जाएगा। और इसका भी कलर माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन है। तो ये क्रॉस में है ना ये वाला मुर्गा, ये वाला मुर्गा जो है क्रॉस में है। और ये जो ब्लैक एंड व्हाइट वाला मुर्गा है ना, तो इसका कलगी सेम हमारी वो मुर्गी के जैसा है ना, इस मुर्गी के जैसा, जो कि कुड़ुक में है अभी। और यहाँ पे रोमियो और अलीना ना अपना फीड कर रहे हैं। खाओ खाओ खाओ, डिस्टर्ब नहीं कर रहे तुमको हम। अलीना बहुत ज़्यादा डरती है ना पता नहीं कैसे, और रोमियो उसे भगाता है। और यहाँ पे रैक्स पे ना सारी मुर्गियाँ मज़े से बैठी हुई है, तो ये देख सकते हैं। अब जो है ना हमने ज़्यादा डाला हुआ है, ये पहले बहुत कम हमने डाला हुआ था, लेकिन अभी जो है हमने ज़्यादा डाल दिया है। और इधर भी वही हाल है। और हाँ, यहाँ पे ना चूजे भी आना स्टार्ट हो चुके हैं, तो इनके लिए जो ब्रूडर है ना वो हमें खाली करना होगा। एक ब्रूडर ऑलरेडी हमारे पास एक ब्रूडर है जो कि खाली है। और ये देख सकते हैं माशाल्लाह फ्रेश फ्रेश चूजे आ रहे हैं। चलो बैठो। और यहाँ पे ना हमने एक मुर्गी बिठाया था जो कि उठी हुई है, तो एक काम करते हैं एक मुर्गी को हम यहाँ पे बिठाते हैं, और बाकी इधर सारे जगहों पे मुर्गियाँ बैठी हुई हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे ये मुर्गी को हम बिठाते हैं ना, इसके पास एक भी अंडे नहीं है, खामोखा यहाँ पे बैठी हुई है ये। और दे ये हमने बिठा दिया, और ये बैठती है या फिर नहीं बैठती है देखते हैं। और हाँ, और एक काम हमें करना है ना, पिछले बार ही हमने सोचा था लेकिन ये काम ना हमने नहीं किया था। और हम इसमें अब नंबरिंग डालेंगे, एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, तो ऐसे में क्या होगा कि मुर्गियों को भी पता चलेगा कि हमें कौन से रैक में जाना है। पहले वाइट कलर में पेंट करेंगे, उसके बाद ब्लैक से हम इसमें नंबरिंग करने वाले हैं। तो ये काम बहुत ज़्यादा ना ज़रूरी है। और ये मुर्गी दोस्तों होता क्या है ना, मैंने देखा है जब चूजे निकलने लगते हैं ना, तो मुर्गी थोड़ा सा अंडों से ना उड़ जाती है। ये देख सकते हो आप, अंडों से उठी हुई है, तो ऐसा मुर्गियां करती हैं। और यहाँ पे ना हमारी पैरेट भी एक मुर्गी बैठी हुई है अंडों पे, और ये मुर्गी भी है, पता नहीं ये शायद अंडे देने वाली है, और वो तो कुड़ुक पे बैठी है। और फाइनली यहाँ पे हमारा ना अजोला वाला जो सेटअप है वो रेडी हो चुका है। सिर्फ हमें इस साइड ढकना है, और उस साइड भी हम ढक देंगे, दोनों साइड से ढक देंगे, क्योंकि रोमियो और अलीना अगर उनको एक बार आदत लग गया ना तो फिर वो छोड़ेंगे नहीं, सारा का सारा ख़त्म कर देंगे। तो ये सेटअप आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैंने सोचा था ना ऐसे कर्व वाला डालने का, ऐसे जो कर्व होता है ना वो वाला, लेकिन वो वाला सेटअप नहीं हो पाया, तो मैंने स्क्वायर ही डाल दिया है। तो ठीक है, चलेगा, बस धूप जो है ना रुकना चाहिए कैसे भी। अब हमें देखना है कि अजोला जो है ना कब तक ग्रो करता है, मतलब कब हम इससे अजोला लेके और मुर्गियों को खिलाएं, तो ये हमें देखना है। तो कल मैंने ये डाला था और आज ये मैंने डाला है, तो कल से ही हम काउंट करेंगे ना। कल था 3 तारीख, आज है 4, तो 3 से ही हम काउंट करेंगे। लेकिन 3 कल तो शाम में डाला था ना हमने, तो 4 से काउंट करते हैं ना, 4 से फिर कितने दिनों तक ये हमारा रेडी हो जाता है। तो ऐसे ही फार्म का अपडेट जानने के लिए ना आपको क्या करना है आपको पता है, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक भी कर दीजिएगा, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। बाकी दोस्तों शाम हो चुका है और बहुत जल्द मुर्गियाँ सारी मुर्गियाँ अंदर जाने वाली हैं, तो बस इजाज़त दीजिए, मिलते हैं कल एक नई वीडियो पर। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, और जो भी आप कर रहे हैं ना बस लगे रहिए। अल्लाह हाफिज़।